हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। सानी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आशा करते आप लोग बहुत ही ज्यादा। हां मम्मी यार, थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो चुका है। आज हम लोग थोड़ा कहीं निकलने वाले, कहां निकलने वाले आपको जस्ट भी बताएंगे। आज के प्यारे वालों को सानी स्टार्ट करो। हमारी प्यारी सी मम्मी है, अभी हम जा रहे हैं कहीं अलग। तो मम्मी से आशीर्वाद ले लेते। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। मेरे बेटा बेटी जितना देख रहे हैं सभी को सुबह पर आशीर्वाद है। भाई को भरपूर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं शायद आपको टाइटल सामने देखकर पता चलेगा। और ब्लॉग आज मतलब थोड़ा ब्लॉग हम नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट कचहरी वाला टाइम है। कोर्ट पे आज जाना है, जो केस हुआ था इस साइड से भी उस साइड से भी, तो उसके लिए हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पे जाना है, 5 व्हीलर इधर से लेकर के जाना है, 5 व्हीलर उधर से लेकर के जाना है। और ये सारे चीज़ें मैं जितना जो समस्या हुआ है मैं लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोग के लिए। अभी फिलहाल क्या करते हैं, घर को कर देते हैं बंद और बकरियों के लिए चारा यहाँ पे रखा हुआ है मस्त वाला। तोता महाराज जी माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों ऊपर में जो है कमरा हमने बंद कर दिया है, नीचे वाला मेन गेट को भी बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोग रेडी हो गए हैं। और मम्मी जो है स्कूटी से जाएँगे और बाकी छुटकी रागनी सिस्टर मेहमान जी ऑटो से जाएंगे सब लोग साथ में। बाकी वहाँ क्या होने वाला है आपको, चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में। आपसे सुबह से हम ब्लॉग में नहीं मिल पाए क्योंकि वो ज़्यादा ही बिजी हैं, वो इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी शाहपुर पटोरी, देख सकते हो आप लोग। और पीछे हमारे साथ मम्मी जी बैठी हुई हैं। अभी रागनी सिस्टर पापा सभी लोग जितने सारे जो बेलर हैं, तो आज बेल होने वाला है। यानी उस साइड से भी केस किया गया था, इस साइड से भी हम लोगों ने किया था। तो क्या कारण है जो हम लोग पीछे हट गए, क्या कारण है जो हम लोग जो है इस चीज़ के लिए मिल मिलाप कर लिए, वो लास्ट में आपको हम बताएंगे। बाकी फिलहाल अभी मम्मी बैठी हुई, मम्मी भी साथ में चल रही है ना मम्मी। हाँ। तो चलते हैं वहाँ पे, जो भी चीज़ होने वाला होगा आपको हम बताते रहेंगे। तो दोस्तों हम पूरा परिवार मिलकर के समस्तीपुर कोर्ट पे पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग के साथ क्या हुआ कि खेल खेलने का प्रयास किया गया, जो मुख्य आरोपी पवन कुमार था वो आया ही नहीं। हम पूरे परिवार को जो है हमारे गांव के कुछ जो है पैसेखोर लोगों ने बोला कि आप लोग मिलाप कर लीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, वो भी पढ़ाई लिखाई करता है, करियर ख़राब हो जाएगा, उनसे गलती हो गई। तो हम लोग मान गए थे, पूरा परिवार जा करके बेल करवाने का पूरा को पूरा प्रोसेस किए, उस साइड से भी आए हुए थे, लेकिन जो मुख्य आरोपी था उसको नहीं लाया गया। कुछ पदाधिकारी जो सरकारी के होते हैं उनको पैसे देकर उनका नाम जो है कटवा दिया गया, हमारे एफआईआर से नाम ही नहीं था। और झूठा एफआईआर जो है वहां पे पेश किया गया और बोला कि पवन कुमार आरोपी नहीं है। और जो दो और उसके भाई थे जिन्होंने हमारी बहन के साथ छेड़खानी करने के प्रयास की, पवन कुमार थे और भी गोलू कुमार थे और भी जो उनके छोटे भाई है वो भी थे, तो वो दोनों को जो है भेजा गया। वो दोनों को भी नहीं, जो बीच का उसका जो भाई है उसको भेजा गया, जो झूठ मूठ कर ये लोगों ने आधार कार्ड में नकली लिखवा दिया था कि हाँ आधार कार्ड में जो है ये लोग नाबालिग है, ये लोग 13 साल के हैं, झूठा झूठा आरोप करके जो है वहाँ पे उन लोगों को भेजा गया। और पवन कुमार जो मुख्य आरोपी था वो आया नहीं। हम लोगों ने बोला कि जब पवन कुमार नया मुख्य आरोपी है वो नहीं आएगा तो हम लोग बेल नहीं लेंगे, हम लोग मिल मिलावट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग भोले भाले थे, हम लोग को वहाँ से कुछ पैसे उसे खिला करके वहाँ के पदाधिकारी जो भी थे वहाँ के वो सब मना लिए, बोले कि अब कर लीजिए झगड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हम लोग कोर्ट पर चढ़े, कोर्ट पर चढ़ने देखे अभी अभी उसी चीज़ को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मम्मी भी बहुत गुस्सा करे कि मुख्य आरोपी को बुलाओ तभी हम लोग जो है साइन करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को बैला फुसला करके हम लोग चाहते कि चलो इस चीज़ को खत्म करना है। अरे अपना YouTube पे हम नाम करें आगे बढ़ना, इन लोग के चक्कर में पड़े रहेंगे, मार लिए कोई बात नहीं, खुश रहे वही लोग जीत करके रहे। लेकिन नहीं, उस आरोपी को नहीं लाएगा क्योंकि उसका तो नाम पैसा देकर के कटवा दिया गया था। ठीक है, आप लोग सीधा सीधा FIR देख लीजिए, सामने दिख रहा सीधा FIR देख सकते हो। FIR कोई झूठा नहीं है, आप हमारे समस्तीपुर पटोरी थाना क्षेत्र में आकर के जाँच भी कर सकते हैं। उस आरोपी का असली नाम है रोशन कुमार, उसका पिताजी का नाम है अशोक राम और उर्फ में पवन कुमार नाम लगा करके गाँव में वो रहता है। लोग को जो है कटघरा पे बुलाया गया करीबन 4 बजे करीबन, तो जज साहब जो इधर से भी फैसला लिए क्योंकि मुख्य आरोपी तो था ही नहीं पवन कुमार, और हमारा जो है नकली जो जो वकील थे उन्होंने सर्टिफिकेट वो जो FIR का दे दिया, उसमें पवन कुमार का नाम था ही नहीं, तब जाके ये जानकारी हुई। उसके बाद जो है हमें जो है कस्टडी के लिए 5 दिन को रखा गया, और उसका जो छोटा भाई है नाबालिग जो झूठ मूठ के बोलते वो नाबालिग नहीं 18 साल का है, उसको भी कस्टडी के लिए रखा गया। और मेन मुख्य जो जो चोर था, जो डाकू था, जो करने का प्रयास किया, वो इंसान बाहर में खुलेआम घूम रहा था। कुछ दिन पहले जब उसके ऊपर केस लगा था तो भाग रहा था, वो पढ़ाता कोचिंग वगैरह, बच्चों का भी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है वो जो है आया ही नहीं, वो भाग गया था उस टाइम के लिए, देख सकते हो। फिर भी हम लोग रेडी हो गए, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे हेलमेट पकड़ा हुआ हूँ, वकील साहब के यहाँ पे आकर के हम लोग मतलब बेल कराने के लिए साइन कर दिया। हम लोग चलो कोई बात नहीं, भोले वाले हम लोग को बला फुतला के ले गए कि केस उठवा लेंगे और इसके ऊपर जो इसको अरेस्ट करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब बहस हुई, जब जज साहब फिर से बोलना चाहूँगा,
जज साहब बुलाए, जब बहस हुई कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ है, उनका भी काउंटर केस था, तो हम लोगों ने सच बोल दिया वहाँ पे, तो उस लड़के को भी अरेस्ट किया गया और हमें 5 दिन का कस्टडी था। अभी तक वो लड़का जो है झूठ मूठ का जो बोला जाता है नाबालिग है, वो अभी तक अरेस्ट है। अगर वो सच होता तो अभी तो क्यों नहीं छूटा, वो मैं ही क्यों छूटा, ठीक है। ये सब चीज़ों का ऐसे ऐसे हम लोग के साथ जो है गेम खेलने का प्रयास किया गया। इसके बाद देखिए किस तरीके से जो है जब जज साहब बोले कस्टडी ले जाने के लिए, तो हमको जो हथकड़ी लगा करके ले जाया जा रहा था। देखिएगा अभी अगला वीडियो में, अभी वकील साहब के पास हम लोग आए हैं साइन करने के लिए, दिखाते हैं अभी आप लोगों को हम। सबूत आप लोग को देते हैं कोर्ट पे जाने का, ठीक है। देखिए हम लोग बेल पेपर करवाने के लिए यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे, जैसे कि फोटो एक व्यक्ति का दो दो लगाया जाता है, ठीक है। देखिए सब बारी बारी से पूरा परिवार खिंचवा रहे थे, हमको बैलाफुस लिया गया था हमारे पूरा परिवार को कि अब आप लोग अच्छे से रहिए, वीडियो बनाने देंगे, कोई भी आपके गाँव के लोग चाहे कोई भी हो, चाहे ये लोग जो रोशन कुमार आरोपी है, ये लोग परेशान नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे से वीडियो बनाइएगा। हम लोग मान गए, हम बोले चलो कोई बात नहीं, अपने गाँव के लोग हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए हम लोग कस्टडी के लिए जा रहे थे, उस टाइम का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें कस्टडी किया गया था 5 दिन का जज साहब, उस लड़के को भी, फिर भी मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, फिर भी हमने सोचा कि नेट पे इसको क्यों हम दिखाए लोगों को, मैंने इतना तक सराहना करके उस लड़के का भी वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। देखिए मुझे किस तरीके से जो अरेस्ट किया गया था, और ये लोग क्या लोगों के बीच में अफवाह फैला रहे हैं कि हम जो है हम शरीफ हैं, राजा ब्लॉग गलत है। अरे भाई तुम किसी के बहन बेटी के ऊपर जो है आप जुल्म करोगे, किसी का भाई कैसे चुप रहेगा। मैंने अकेला बेटा, मैंने अपने परिवार के लिए आवाज़ उठाया, मैंने सोचा कि मैं लड़ूंगा तो पब्लिक के बीच में क्या मैसेज है कि राजा ब्लॉग सबसे लड़ता है। अब देखिए मम्मी पापा को हम समझा रहे थे खूब अच्छे तरीके से, आप लोग अच्छे से रहना। और हाँ दूसरी बात, ये देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। दूसरी बात, अगर मैं गलत होता तो मैं कोर्ट पे क्यों जाता, किस लिए जाता है भाई, आप लोग इतना तो सोचो। मैंने पूरा FIR कब दे दिया, मैंने रिपोर्ट दे दिया, आप जाओ आराम से उसको देखो, छानबीन करो, जिनको देखना है आइए मेरे शाहपुर पटोरी थाना, वहाँ पर जाइए, उस आरोपी का नाम था कि नहीं था, वो नाम कटा है कि नहीं, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। देखिए अभी हमको ले जाया जा रहा है, अभी फिर भी मैं मम्मी पापा को सराहना दे रहा हूँ पीछे घूम करके हाँ मम्मी तुम ठीक से रहना, अच्छे से रहना। देखिएगा आगे देखिए, अभी मम्मी पापा को हम अभी दिखाते किस तरीके से हम समझा रहे थे। ये देखिए यहाँ पे खड़े हो गए, मैंने अभी दोस्त को कॉल लगाया कि अगर घर पे कोई परेशानियाँ हो तो मम्मी पापा को समझा करके अच्छे तरीके से रखना। ये देखिए अभी हम कॉल करके हम रवि को समझा ही रहे थे, यहाँ पे देखिए मम्मी भी खड़ी हैं। हम लोग क्यों घबराए, जब गलती ही नहीं की तो क्यों घबराए, मम्मी पापा रोते नहीं देख नहीं रहे, आगे में मेहमान है, नए वाले मेहमान खड़े हुए हैं। देखिए मम्मी को हम अच्छे तरीके से समझा भी रहे हैं। ये देखिए फ़ोन देंगे अभी मम्मी को। ये देखिए अब रागनी सिस्टर को हम बोलेंगे कि सबका ख्याल रखना तुम अच्छे से, मैं 5 दिन बाद में आ जाऊंगा बाबू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए सब लोगों ने बोला कि राजा ब्लॉग अरेस्ट हो गया, राजा ब्लॉग गिरफ्तार। अब देखिए पापा को गले लगे, पापा को भी हम समझाएं कि अच्छे से रहेगा, 4-5 दिन का समय है, मैं आ जाऊँगा, बेल सब कुछ ठीक, सब कुछ हो ही गया था, कोई टेंशन वाला। अब रागनी सिस्टर भी यहाँ पे देखिए, कोई घबरा रहा है, कोई रोग आ रहा है, क्योंकि हम जब हम भाई गलत किए ही नहीं है तो मैं चुप क्यों रहूं, और खुलेआम मैं ये वीडियो भी डाल रहा हूं, मैं डर भी नहीं रहा हूं, खुलेआम डाल रहा हूं कि जो सच है वो आप लोग देखिए सामने से देखिए जो भी सच है। और जो पवन कुमार, जो रोशन कुमार उफ जो लगा के रखता है, वो आरोपी था, वो नाम कटवा लिया किसी पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी से पैसा दे करके, और हमको बदनाम करने का प्रयास किया कि राजा ब्लॉग गलत है, तो हम देल भेज दिए। वाह रे वाह रे चट्टा, शर्म करो, राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन सत्य में कब विजय, किसका विजय हुआ था, राम जी का। हारा कौन था, रावण हरा था। तू रावण है रे रावण है, शर्म कर, तू खुद अपने आप से पूछ, अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा कि मैंने किसके साथ गलत किया है, हमारे खाते पीते इंसान को तुम, पूरा परिवार को जो है तुम उजारने का प्रयास किया, शर्म करो। अब देखिए लास्ट टाइम था, अब हमको जो एक मेन जो एक हॉल टाइप का होता है जिसमें सबको कस्टडी किया जाता है, उसी के अंदर जो हम लोग को रखा गया था, उसके बाद जो मुख्य जेल में ले जाया जाता वहाँ पे, ताकि वहाँ पे हम रह सकते। देखिए अब ये लास्ट टाइम था, मम्मी पापा को हम सब, हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। 10 दिन तक आप लोगों ने बड़ा मिस किया होगा, बहुत ही ज़्यादा हमने आप लोगों को मिस किया। हुआ क्या था, आप लोगों ने वीडियो देखा है ना, अभी हुआ क्या था, क्योंकि सभी लोग बहुत प्रकार की बातें कर रहे हैं, बहुत प्रकार के वीडियो सारे, बहुत सारी बातें एनीवे, बट ये सब चीज़ें होता रहता है। कहते ना कि एक यूट्यूबर बढ़ता है तो जलने वालों की पहाड़ खड़े हो जाते हैं, ऐसा मैंने भी किया है, लोग भी कर रहे हैं, अभी मैंने भी किया है। माने कि छुटकी अभी बहुत बड़ी पद पर चली जाएगी, हम अभी छोटे पद पर ही रहेंगे, तो जलन हमको कि ओह छुटकी ना बढ़ गई आगे, ऐसा होता है। क्योंकि मैं एक इकलौता बेटा हूँ जो वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग को मेहनत दिखता होगा, दिन रात वीडियो, जो पैसे आता है हार्डवर्क करके अपने लाइफ को, मैंने कहाँ कहाँ से, किस जगह जगह पे, किस लोगों से मैंने मिला, तब जा करके मैं वायरल हुआ, फिर आप लोगों का प्यार मिला,
प्यार मिलने के बाद मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होगा, अपने पड़ोसी के लोग ही, अपने कुछ गांव के घुसखोर लोग ही हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमें बर्बाद करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले ये घटना हुआ था, घटना क्या हुआ था कि हम थे 23 अप्रैल का हमारा वीडियो देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे अपलोड है। पवन सर जो सिंगर है, यहाँ के बिहार के पावर स्टार कहे जाते हैं, उनके साथ हमारा इवेंट था। उनसे हमारा बहुत बड़ा सपना था मिलने का, उनके सामने से मैं देखूं भाई, ओवियसली मैं भी तो उस जगह से उठा हूँ भाई। भले आप लोग यूट्यूब पे इतने सारे लाइक सब्सक्राइब कर लिए हो, तो मैं उनको देखने के लिए चला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका भाई सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ना, वैसे पड़ोसी की ना जलन हो रही थी। जलन होता है ऐसा कि वो लोग गालियाँ देते थे आकर के सामने से, वीडियो बनाते थे तो बोलते तुम लोग नचनिया हो, तुम हिजरा हो, छक्का हो, वीडियो में सोली चाया पहन के, मतलब बहुत सारा चीज़ें बोलते थे। कि तब भी हम लोग इग्नोर मारते रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया, भैया विरोध कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये बन गया जहर। क्या मम्मी? जहर हो गया। जहर होने के बाद क्या हुआ, देखो मैं एक भाई हूँ, मेरे मम्मी और मेरे बहन के ऊपर अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हाथ उठाए, छेड़खानी करने का कोशिश करे, सबसे पहली बात आपका राजा भाई को वो मुकाम मिल चुका है जो लोग चाहते हैं। जैसे कि मेरे ऊपर बहुत सारे वीडियो बनता है तो लोग चाहते हैं बपरे बाप रजवा का सब्सक्राइबर हमरो मिल जाए, हम रजवा ब्लॉग बन जाए, रजवा ब्लॉग बना दो ना भाई, उसको छोड़ दो ना भाई, हमको सब्सक्राइब कर लो ना भाई। अबे यार क्रिएटर बनो, माता पिता यहाँ पे सामने है, माँ बाप की इज्जत करो, अपने आप को हीरो में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करो, खुद को बढ़ाने की कोशिश करो, खुद पे आत्मविश्वास बनो, दूसरों के बदौलत दूसरे के ठहरा। अब हम मनोज भैया के नाम से मेरा व्यू आएगा, ठीक है, सौरभ जोशी के नाम से आएगा तो बार बार सौरभ जोशी करेंगे, मनोजे दे करेंगे, तो फिर वो भी कहेंगे भाई यार ये कुछ जीवन में नहीं कर पाएगा, फिर उनके ही ऑडियंस हमको देखेंगे, फिर हमारी खुद की ऑडियंस नहीं देखेगी। इसीलिए ये रहा जो लोग हमारे बारे में गलत अफवाह उड़ा रही है उनके लिए। चलिए मेन मुद्दा पे हम आते हैं। हुआ यह था कि हमारी छुटकी का जो है छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, जैसा कि पवन कुमार आरोपी है। आपको हमने बताया पवन कुमार का दो और भाई है, एक भाई को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो सीधा साधा है, उसका नाम है कारू। हमने सोचा वो पढ़ाई लिखाई करता, उसने हम लोग को कुछ भी नहीं किया था, वो बाहर रहता है, ठीक है। ये लड़का क्या किया है मैं बताता हूँ, मैं परोस का है, मैं खुल के बोल रहा हूँ वीडियो में। ये लड़का क्या किया है कि पहले अफवाह फैलाता था हमारे गाँव में कि उसको नौकरी लग गया, डीएम बन गया, डॉक्टर बन गया। हम लोग से कम 20 साल बड़ा है वो, ठीक है, उम्र में 20 साल 15 साल होगा ही, बड़ा ही है वो, हम लोग का चाचा लगता है। उसको जॉब वॉब नहीं हुआ, हम लोग बहुत बेकार परिस्थिति में रहते थे, बहुत गिरी हुई परिस्थिति, मम्मी दूसरे के यहाँ काम करती थी, बहुत सारे चीज़ें होते, घास वगैरह घर के लाती थी, दूसरे का किरौनी करती थी, तो 150 होता था तो घर चलता था। फिर उसके बाद आपका भाई ने देख लिया इस जगह से सपना देख लिया कि यूट्यूबर बनना है, हीरो बनना है, तो हीरो जैसे तो सकल था नहीं, देखे ना करिया हम लोग, देखे तो एकदम करिया, कौन डायरेक्टर हमको लेगा फिल्म में, नहीं लिया तो अपना खुद का हम यूट्यूब पे काम किए भैया, लोगों का मिल गया प्यार, आपका भाई उड़ गया ऊपर। आज से नहीं 2009 से मेहनत कर रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं, आज से 2009 से कर रहा हूँ, तब जाके इस मुकाम पे यहाँ पे पहुंचा। अभी तो थोड़ा है, 30-40 हज़ार व्यू क्या होता है यार, कुछ नहीं होता है, अभी जीवन में 30 मिलियन तक भी जाना है, वहां तक मेहनत करना हमें। अब इनको इन लोगों को हो गई जलन, भाई साहब हम नौकरी नहीं किए, उस तो यूट्यूबर बन गया जी, कैसे हो गया, धर मार पीट। हम लोग कमजोर थे, भाई में अकेले 6 बहन है, सबका तो शादी ब्याह हो गया, छुटकी मेरा सपोर्ट में रहती, वीडियो बनाते, मम्मी पापा साथ में रहते, बाकी ये सब आप लोग देखते रहते हो। बस हमारे घर में क्या किया कि बहुत सारे पहले टिप्पणी करने का प्रयास किया, फिर गांव में भड़काया गया, रागनी सिस्टर का शादी हो रहा था तो उसमें सब गाँव वाले सपोर्ट करते थे उनका, वो ये लड़का उनका कान भर करके बोला कि ना परिवार के साथ वीडियो बनवाई छे गंदा वीडियो है, माँ बाप के पैसा वैसा दै छै, माँ बाप के साथ में नाच करै छै, मतलब नाच करता है ना, चाहिए ओकरा यहाँ जाओगे ना भोज खाने, मतलब मेरे गांव वाले जो भोज खाने के लिए हमारे आते थे दावत के लिए, जो होता है ना टोला पुरे शादी में ना मम्मी आते हैं गाना गाने, उनको समझाते थे ना उसके यहाँ मत जाना, उन्हें इंटरनेट पर वीडियो डाले छे, और गाँव के लोग तो जानते धत गवार होता है भाई, धत गवार होता है तो असही में होता है, अगर ऐसा होता तो गाँव गाँव नहीं होता, अच्छा होता, अच्छा सोसाइटी होता, मैं विरोध क्यों करता हूँ उन लोगों का। सब ब्लॉगिंग क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, अगर जानते तो यहाँ का बच्चा आज अच्छे जीवन जी रहे होते। ये नहीं कि हम सरकारी नौकरी पे डिपेंड करें, ये नहीं कि हम किसी के यहाँ मजदूरी ही करें, अरे भाई टैलेंट है उसको छुपा क्यों रहे, उसको दिखाओ ना यूट्यूब पे, आप भी आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये सब करने का प्रयास किया, फिर हम लोगों ने इग्नोर मारा, एक दो वीडियो हमने बनाया कि डर जाएगा, चलो कोई बात नहीं जाने दो, हमें सोचता था बच्चा यार इतना बड़ा हो गया पढ़ लिख लिया तो दिमाग नहीं होगा। चलिए भाई वो भी खत्म कर दे, बुआ खत्म, चुप करा, घुमा दो। उसके बाद क्या हुआ कि इतना पे भी हम बढ़ते गए, मेरा फॉलोवर बढ़ रहा है, 1.1 मिलियन हो गया इंस्टाग्राम पे, आप लोग देखिए ना इंस्टाग्राम पे दिख रहा होगा, ऐसे ही हम जवाब दे रहे हैं अभी, इंस्टाग्राम पे दिख रहा होगा, जाइएगा आप लोग भी फॉलो कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब चारों पट्टी से टोना टटका हो गया, उसमें भी बहुत सारे अगल बगल के माई पड़ोसी भी था, दीवार के बगल का भी लोग गन दिखाया, मार देंगे तुमको, बट बनता है तुम हीरो बनेगा इसे करके बोलता था। तो हम अपना मेहनत करते जाते थे, हम जानते थे, मम्मी मेरा कहती थी कि बेटा बेस्ट टाइम जब होता है जब तुम सक्सेस के लिए आगे बढ़ोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सक्सेस होगा, बस थोड़ा सा आप लोगों ने ऐसा खींच दिया अपने राज आप लोग को, ठीक है, ताकि मैं उस पैदान पे आ गया हूँ। बड़े बड़े हीरो के साथ उठना बैठना हो गया, मिलने लगा, संघर्ष किया, सोनू सूद सर के साथ में गया, अवार्ड मिला, जलन हो गया भैया, जलन हो गया तो रुकने से रुकने वाला था नहीं। हमने स्टोरी डाल दिया कि पवन सिंह सर के साथ मीटअप है, लग गई पीछे से आग, आग लग गई। तो मम्मी मेरी बहन जाती थी पढ़ने के लिए एक महीना से, इसको ये ना भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, मैं खुल के वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरी बहन को ताना मारता था। आज तक मेरा कभी भी रिकॉर्ड देखेगा, मैंने अपने गांव में कभी भी किसी भी लड़की को गलत निगाह से नहीं देखा। मैं सिर्फ वीडियो के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, चाहे मेरी वाइफ भी आती है वीडियो बनाता हूँ, बात खत्म। उससे हमको एनीथिंग नहीं कि किसी को कोई परेशानी हो इस चीज़ को लेकर के, मैं अपने परिवार के साथ बनाता हूँ, ठीक है। कभी भी मेरा रिकॉर्ड नहीं रहा मेरे गांव में कि किसी फनाला लड़की के साथ ये कर दिया वो कर दिया, वही लोग का रिकॉर्ड है, बहुत सारा बात है, छोड़ो हमको उसको फेमस थोड़े करना है। फिर क्या हुआ कि हमारे घर में घुस करके हम 23 अप्रैल को चल गए लखनऊ पवन सिंह से मिलने के लिए, ठीक है। स्टेज पे हमारी वीडियो बनी, तो उसी टाइम कॉल आता है कि मम्मी कॉल की कि हमारे घर में घुस करके जो है मोटका चोरवा, ठीक है, चोरवा क्या किया है, अब नाम नहीं लेंगे, वो चोरवा चोर है, वो क्या किया, नौकरी उकरी नहीं लगा तो जलस के कारण मेरे मम्मी को बहन को सब लोग को मारा पीटा घर में आकर के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इधर से FIR किया, बहन के साथ दुष्कर्म करने का कोशिश किया, जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ऊपर से हम लोग तो ब्लॉगर है, कैमरा रिकॉर्डिंग होता रहता, रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करने के बाद क्या हुआ कि वो जो है चोरवा जो है वो क्या किया, मेरे मम्मी को पप्पा को तानाशाही करके खूब धराशाही से मार पिटाई किया, मेरे रोने होने लगी, मैं वहां पे अकेले था स्टेज शो पे, उस पे क्या हुआ, टेंशन में हम हो गए कि हुआ क्या। फिर हम घर पे आए, फिर उसके बाद हम कोई भी चीज करते ना खुल के विरोध करते कि हाँ ये इसने ये चीज किया है, इसने ये चीज किया है। मैंने सभी लोगों से मदद मांगा, कहीं से भी मदद नहीं मिला, मैं ये सच्चाई मानता हूँ, कहीं से भी मदद नहीं मिला। बहुत सिंगर सारे आए, सब लोग बोले मेरे गाने पर रील बना दो, सब फायदे उठाए, बट मम्मी भी समझाई कि बेटा देखो तुम आगे बढ़ रहे हो ना तो सब तुम्हारे फॉलोवर के पीछे पड़ेंगे, मदद के लिए कोई नहीं आएगा, तो मैं उस चीज को समझ गया। फिर उसके बाद क्योंकि FIR हम लोगों ने किया, उधर से भी उन लोगों ने झूठा आरोप लगा के काउंटर कर दिया, ठीक है, झूठा काउंटर ना मम्मी, काउंटर कर दिया। काउंटर के बाद क्या हुआ कि भाई काउंटर करोगे तो उधर से भी पुलिस पकड़ने आएगी, इधर से भी पुलिस पकड़ने आएगी, ठीक है। और ये जो चुट्टा था ये भागा हुआ रहता था, ये ना दो चार को ट्यूशन उशन में पढ़ाता है, लफुआ एक नंबर का पढ़ाता है, तो छोड़िए नाटा, ये क्या हम बोले, अब हम यूट्यूबर नहीं होते ना तो बहुत कुछ होता भाई, लेकिन मैं एक यूट्यूबर हूँ इसलिए सम्मान दे रहा हूँ, अब कितना खुल के बोलूँ, डरता नहीं हूँ किसी से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये हमारे घर में मारपिटाई किया, मारपिटाई करने के बाद हम लोगों ने भी FIR किया, उधर से भी FIR हुआ, तो मम्मी ने हमको समझाया, मैं भी अपने आप पे कंट्रोल रखा कि नहीं लड़ने से कोई जीवन में कभी वो नहीं होता है, किसी को अगर जलाना है ना, अगर जल रहा है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप और आगे बढ़ो, वो खुद ब खुद नीचे जो जितना जिसका सोच रहेगा वो उसी में रह जाएगा। तो इसी चीज़ को सोच करके मैंने फिर वीडियो नहीं डाला, हमने सोचा कि चलो बात को खत्म किया जाए, मैं कब तक लड़ता रहूंगा यार, मैं क्रिएटर हूँ, हमको आगे भी देखना है यार, फिल्म भी करना है, वैसे भी मैसेज आता है कि काम करो, तो करवे करेंगे मम्मी के आशीर्वाद से, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों के सामने कैमरे में बोल रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए क्या हुआ कि गाँव में पंचायत हुई, गाँव में कुछ लोग थे घुसखोर लोग थे जो पैसे वैसे खा करके हम लोग को इधर पे आए, बार बार प्रेशर दिए कि चलिए ना सब लोग मिल करिएगा, सब साथ ही में रहिएगा, वो गलती कर दिया, उसका पिता खुद मेरे मम्मी का पैर पकड़ा कि हो गया गलती, राइट मम्मी, ठीक है। तो वो हाँ दरवाजे पे आकर के पैर पकड़ा, फिर हम लोगों ने चलो माफी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए खेल क्या किया है, जो हम लोग केस किए थे उसके ऊपर पवन कुमार के पास, वो SDO और कुछ होता है बड़ा पैसा वाला लोग है, उनके पास गया, नाम कटवा लिया हम लोग का केस में से, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया कि दोनों लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए जा करके, वो पहले नाम कटवा लिया था, कंप्रोमाइज कर लीजिए जा करके, से केस को खत्म कर दीजिए आप लोग मिलकर के, और साथ में हमने बोला ठीक है ये तो और अच्छी बात है, चलो लड़ाई को खत्म करते हैं, हमने खुद बोला क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचता है भाई लोग, जितना लोग देख रहे हो डेली वीडियो सोचता हूँ टेंशन में रहूंगा, चलो हमको मार लिया ना वो खुश रहे, वही बड़ा बने, मेरा हार में ही मेरा जीत है, मैं और आगे बढ़ूंगा, जब होगा जीवन में ना तब देखा जाएगा वो चीज़। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग कोर्ट गए ना मम्मी, उसके पिताजी ने जो है कोर्ट ले, अभी भी पिता करके उनको मैं बात कर रहा हूँ, वो कोर्ट ले गए हमारे मम्मी को, बेलर भी गए, ठीक है। उधर कंप्रोमाइज हुआ, कंप्रोमाइज वक्त होने के बाद क्या हुआ कि उस जो मेन आरोपी था उसका नाम ही नहीं लिया गया ना मम्मी,
सिग्नेचर खनी जब वकील नाम लिया जाता है उसको तो नाम कटवा दिया, उसका नाम कटवा दिया। तो हम लोग बोले कि भाई मेन आरोपी था वो क्यों नहीं आया, तब हम लोग क्यों साइन करेंगे। तो नहीं नहीं वो डीएसपी से ये हुआ है वो हुआ है, जांच करवाएंगे, बहुत सारी बातें हम लोग सीधा साधा। तो फिर भी हमने मम्मी को बोला कि केस खत्म ही ना हो जाएगा, मम्मी कर दो साइन, छोड़ो हटाओ ये सब टेंशन से दूर रहो, हम लोग वो नहीं जीवन जीना, अब कुछ अच्छा से जीना, हम लोग को अच्छा जीना चाहते हैं। ठीक है, तो समाज के बात पर ना, हाँ। समाज पर जति किया यहाँ दोनों आदमी मिल जाए तो सोचे दोनों आदमी मिल जाएंगे, हाँ। केस उठा लेंगे। और एक चीज़ दोनों आदमी मिल जाएंगे, ठीक है। वो क्या किया, जो उसके छोटे भाई पे भी आरोप लगा था, वो 24 साल का है, 24 साल या 20 साल का है ना मम्मी, 18 साल से ऊपर का है, वो दाढ़ी मूंछ हुआ है, क्योंकि वो अपना भाई का नाम नहीं कटवाया। और वो लोग दिमाग लगाते हैं कि ये लोग जब कस्टडी पे चढ़ेंगे, जब पूछताछ होगा तो हम तो रहेंगे नहीं, राजा ब्लॉग हो जाएगा गिरफ्तार, हमारा छोटका भाई गिरफ्तार हो जाएगा, तब हम लोगों को कहेंगे कि मेरे भाई को पकड़वा दिया, वो चल गया 2 साल के लिए, ऐसे। अबे यार मेहनत किया हूँ यहाँ तक आया हूँ, ठीक है। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग कंप्रोमाइज के लिए गए तो सुहानी, देखो हम लोग सच्चे दिल के जो होता है हमने बोल दिया, सुहानी ने सारा बात बोल दिया, हमने बोल दिया कि सर हम लोग क्रिएटर हैं, परेशान करते हैं ये लोग ये वो, तो बोले कि 5 दिन का इसको भी कस्टडी दिया जाए, 5 दिन का इसको भी कस्टडी दिया जाए, 5 दिन दोनों रहेंगे तो दोनों पक्ष ठंडा हो जाएगा, उसके बाद दोनों को डर लग जाएगा तो एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं होगी, ये भी नहीं आएगा उसको मारने के लिए। ये था मेन जो छोटा आरोपी था, ये करलुट्ठा हमरे नियर करलुट्ठा है वो, तब है ना, ठीक है। तो वो क्या किया, ये बच गया, ये ठीक है बच गया, बच करके अफवाह फैलने लगा कि हम राजा ब्लॉक को जेल भेजवा दिए, हम हाँ नहीं छोड़ेंगे, ये हो गया था, ठीक है। तो फिर ये चीजें करवा दिया तो जब 5 दिन सुनिए ना, और उसके बाद भी तो कस्टडी में हमने कहा ठीक है सर, आप कहो क्योंकि आप जज है तो आप फैसला सुना सकते, क्योंकि गलती तो हम सब की तरफ से है, क्योंकि हम आपके पास ही शिकायत लेके आए हैं ना, क्या मम्मी, ठीक है। हमने उनका हुक्म सर आपको रखा, अरेस्ट अभी हो गए थे, लेके चले गए मम्मी, उनको हम सराहना दिए, जैसे गेट के अंदर एंट्री किए भाई 2 सब्सक्राइबर, सुनो ना एक मिनट मम्मी, वहाँ भी 2 सब्सक्राइबर, भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोले अरे आप यहाँ आ गए, आप तो वीडियो बनाते हैं, वो लोग घटना देखे हुए थे वहां पे, गए भाई घर जैसा रहे, खाए पिए मस्त खाना मिला, और 3-4 स्टूडेंट था भेजा शायद, अब कुछ भी हो मैं उनके बारे में नहीं बात करना चाहूँ, लेकिन मुझे सम्मान मिला, खाना सही टाइम से आराम से घूमना, जिम तिम था, जो भी चीज चाहिए था सब अवेलेबल था वहां पे, ठीक है। जेल जैसा कुछ भी नहीं था, आराम से मस्ती उस्ती किए सब लोग, गाना उना कीर्तन उर्तन किए, फिर अभी आपके पास हम आ गए। तो भैया हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग भी अफवाह फैलाएंगे, झूठी चीजें बोलेंगे, आलतू फालतू बोलेंगे, उसके बातों पे आपको विश्वास नहीं करना है। देखो जब 2009 से आपका राजा ब्लॉग शुरू किया था ना, अभी भी हाथ दर्द कर रहा है सर, क्या करें हम, 2009 से शुरू किया था ना, तो यही मम्मी विरोध करती थी, ठीक है। तो ये मम्मी विरोध करती तो दिल दर्द होता था कि मम्मी विरोध करती हम कैसे हीरो बनेंगे, आज मम्मी प्यार की ना, तो वैसी जो लोग विरोध करते हैं तो वो लोग प्यार करेंगे, क्योंकि हम परिवार के लिए अभी जिंदा है भाई, कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी गलत अफवाह फैलाएगा उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, उसके बातों पर नहीं, वैसे चीज़ों को रिपोर्ट कीजिए, और खास करके मैं वैसे चैनल को मैंने चुन लिया हूँ, और मैं देखो मैंने फिर शुरुआती में भी मैंने बोला था कि भाई अगर किसी के ऊपर, देखो आप अपने लाइफ बनाना चाहते हो ना तो अपने आप को पॉपुलर करो, अपने आप को आगे प्रेजेंट करो, अपने टैलेंट को जो चीज़ें हो यार आप क्लिक बेट कर सकते हो करो ना, अपने खुद को प्रेजेंट करो। अब राजा ब्लॉग के पीछे रहोगे लगे हुए राजा भैया चनक चलो टन 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 टन, तो वो क्या होगा ना कि जो मेरे ऑडियंस देखने वाले होंगे ना वो हमको गाली देंगे, फिर हम ही को देखने आएंगे, आपको नहीं देखेंगे, फिर आप अपना खुद का वीडियो डालिए ना 100 को 50 को 2 को व्यूज आएगा, ऐसे क्या करते हैं आप, शर्म लगता है, ऐसे नहीं कीजिएगा आप लोग, मेहनत कीजिए, ऐसे बोलता है। तो ये चीजें अपने लाइफ में मेहनत करो यार, आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी हम ठीक है, धन धनाधन धन, मम्मी सीता जैसी माँ, राम जैसा पिता, और बहन जैसे क्या ही बताया, ये हमें बहुत सपोर्ट किया हमारे बहन, और लव यू मामा जी, थैंक यू बहना, जितने सारे सभी लोगों ने सपोर्ट किया, मिस किया, मिस यू टू, सभी लोग आज से अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, ब्लॉग आएगा, जैसे मम्मी हमको लेने गई थी वहाँ पे रिसीव करने गई थी, तो वही ब्लॉग आप लोग देखना मत भूलिएगा। आई आज के ब्लॉग के लिए, चल में चल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बिहार समस्तीपुर से देख लो, प्रफुल सब आदि से प्रफुल सब लोग बगल में स्टडी जाके फॉलो कर लो फटाफट, अपना कीमती बंद करके मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।